कर देना है। तो थैंक यू, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड आवर एसबीआई कार्ड रिप्रेजेंटेटिव विल रीच यू टू सून वेरीफाई योर। पहले देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिमिट दिया जा रहा है इतना, जैसे आप ही आप देख सकते अप्लाई हैं कि करते हो। आपने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि आपको एक मैसेज भी आ जाता है एसबीआई की तरफ से कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट योर तो क्या एप्लीकेशन आप नंबर। रिफंड 2022 में कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करिए, बहुत ज्यादा बचत कराएगा। बेनिफिट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, पूरी जानकारी बताने वाला वो। और ये दोस्तों, इसके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं लगता है, ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल ही मिल मैं जाता है। भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को देख रहे हैं उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे दोस्तों। ऐसा करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को प्यार से एक लाइक कर, और नीचे कमेंट पे लिख दे मुझे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। चलिए दोस्तों कैशबैक शुरू क्रेडिट करते हैं। कार्ड मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बताओ तो यहां पर 5% कैशबैक मिल जाता है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे। कुछ भी खरीदारी कर रहे हो ऑनलाइन तो आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा उस ट्रांजेक्शन अमाउंट से, ठीक है। और 1% मिल जाएगा कोई भी ऑफलाइन अगर आप खरीदारी या इसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो। ज्वाइनिंग फीस आपको कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों, कैशबैक मिलेगा, इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंटरी लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, 4 बार आप एक साल में विजिट कर सकते हो, खाना खा सकते हो। फिर ये जैसे कि एज रिक्वायरमेंट होना चाहिए 18 से 60 साल की, और आपका स्कोर ना सिविल स्कोर 750 या उसके अबव होना चाहिए। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को ये कार्ड मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों हम जानेंगे कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसबीआई जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सारी चीज आप दे सकते हो। प्रूफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ इनकम, आपको लेटेस्ट 1 एंड 2 सैलरी स्लिप लगेगा, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, लेटेस्ट फॉर्म 16, आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ये ये सर्विस सभी मिल जाती सिटीज है। क्या क्या है तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप भी ऐसे करके देख सकते हो। तो ये एसबीआई जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ये अभी जो शहरों में अवेलेबल है या जो भी ब्रांचेस में आपको मिल जाएगा, आप देख ले अपने सिटीज में अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये शहरों का नाम आपको पता चल अभी ये जाएगा। सिमिलर है ये सभी क्रेडिट कार्ड की तरह, अगर आपके पास ये सारे क्रेडिट कार्ड में से एक भी है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ना अप्लाई करें। जैसे कि फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी अगर आपके पास है तो सेम जैसा ही ये वर्क करता है, अमेजोन पे, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है दोस्तों, यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो दोस्तों एनुअल फी यहाँ पर 999 रुपए लग रहे, लेकिन यहाँ पर अमेजोन पे, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नील कोई भी नहीं, लेकिन दोस्तों बेनिफिट सभी सारे में एक है, एक जैसा ही है। तो आपको गूगल में चले जाना है, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड सर्च करना है, एसबीआई कार्ड यहाँ पर कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स फीचर अप्लाई नाउ, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में चले जाना है, ऑफिशियल साइट में जाइएगा, विजिट करिएगा दोस्तों। ये यहाँ पर वेलकम टू द वर्ल्ड अमेजिंग कैशबैक क्रेडिट कार्ड, दोस्तों यहाँ पर इसको आपको फिल फिल करना करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स करना है, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी जानकारी देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, है उसके आपको बाद अपना प्रोफेसर सारे नाम वगैरह दे देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटीज, तो आपको पैन डिटेल्स देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर कंफर्म पे में क्लिक कर आपको देना करना है। है। यहाँ पर अपना मदर्स नेम देना है, आपका ईमेल आईडी, रेफरल कोड अगर है तो अच्छा है, ऑप्शनल है, बाकी आप सर दे मैं सकते आपको यहाँ पर हो। हेल्प अस विद योर प्रोफेशनल डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि आप क्या हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड हो तो सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपका कंपनी नाम, नेम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज को फिल करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक अपना कर देना, एड्रेस एड्रेस वगैरह वगैरह फिल फिल कर कर देना देना है है अच्छे से, और उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक आपका कर जो देना। आधार है उसमें वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आधार वेरिफिकेशन, अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उसमें ओटीपी आएगा और वेरीफाई हो जाएगा आधार वेरिफिकेशन, तो कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक कर दे। और यहाँ पर आपको आधार नंबर दे देना है अपना, और दोस्तों नेक्स्ट करके ओटीपी आएगा, उससे जैसे आप वेरीफाई आधार कर नंबर देना। दे देंगे तो ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और जिसको आपको देख के दे देना है। ओटीपी दे देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एसबीआई कार्ड, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है कि ताकि आपका ये वेरीफाई हो आप देख सके। सकते हैं कि आपने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि आपको एक मैसेज भी आ जाता है एसबीआई की तरफ से कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट योर एप्लीकेशन नंबर इज वी रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, करना थैंक यू फॉर स्पीकर योर एप्लीकेशन नंबर इन प्रोसेस्ड, यहाँ पर बिटवीन आपको 1,03,200 रुपए से लेके 1,29,000 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन टू एप्लीकेशन, कैन यू ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो आपको इतना लिमिट दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिमिट दिया जा रहा है इतना,
जैसे ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देना है जैसे SBI कार्ड में, ताकि इस एप्लीकेशन को आप पूरा कर सके। तो हमने आधा पूरा कर लिया, अभी थोड़ा सा और वेरिफिकेशन की जरूरत है, जैसे कि आपका ये जो भी अपने एप्लीकेशन में डाला है तो अच्छे से इसको चेक कर ले दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ चीजें और इसमें एड ऑन करना है ताकि 100% हो सके आपकी जो भी जानकारी प्रोफाइल की दोस्तों आप सारी जानकारी को फिल कर देंगे तो रेफर SBI कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स दोस्तों तीन यू कैन रेफर अप टू ये दोस्तों इस चीज को आप आई डोंट वांट टू रेफर पे क्लिक कर दे सकते हो। तो सिंपली आपका जो प्रोसेस है देखिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड पिकअप डेट दोस्तों आपको चूज ए डेट अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट 5 तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है डेट जो भी नेक्स्ट डेट है आपका दे दिया है। पिकअप टाइम है स्लॉट पिकअप तो चूज टाइम अवेलेबल टाइम स्लॉट तो जो भी टाइम स्लॉट आप चूज करेंगे तो उसी टाइम में आपका पिक ए लोकेशन ऑफिस या करंट एड्रेस तो चूज ए प्लेस मीट एड ऑन कार्ड अगर आप उसी सेम कार्ड को मतलब आपके घर वाले भी चाहते हो वो यूज करे तो दो कार्ड मिल जाएगा आपको तो एड ऑन कार्ड होता है टिक कर देना है और सारी चीज को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनरोल पे क्लिक कर देना है। तो थैंक यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन कम्प्लीटेड एंड Our SBI card representative will reach you to soon verify your details. तो यहाँ पर बाकी का प्रोसेस तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव से कॉल आ जाएगा, वेरिफिकेशन का 2-3 कॉल आता है और वो कॉल को अटेंड जरूर करना वगैरह आपका नहीं तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो कॉल को अटेंड करना, बाकी जो भी चीज़ वो जानकारी आपसे लेना चाहता है वो बताना और दोस्तों उससे आप वेरिफिकेशन होता है आपका डोर स्टेप में आके और बाकी का प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको करके दिखाया पूरा प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशंस को। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा और ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक करना ना भूले और कमेंट पे लिख देना कि मुझे SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड चाहिए ताकि मैं आपको कमेंट में हेल्प कर सकूं। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुभ।